Assalamu alaikum viewers, I am Rabiea Faruqi, I am a clinical psychologist and US certified hypnotherapist. Aaj ki is video mein main aapko bataungi khushal zindagi guzarne ke teen usool jo ke main khud bhi follow karti hu aur chahti hu ki zyada se zyada log in cheezon ko samjhe aur apni zindagi mein rozmarra ki zindagi mein inko apply kare. So number 1, accept what is, yani ke कबूल कर लीजिए हर उस चीज़ को जो कि आपकी रियलिटी का हिस्सा है, जो कि आप अपनी इन आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने हाथों से या अपने सेंसेस से, जिस चीज़ की रियलिटी को आप टेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी रियलिटी का हिस्सा है. एक्सेप्ट कर लेने से जो जहनी उलझन होती है ये कम हो जाती है. क्यों 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 पूछना आप कम कर देते हैं, और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं रियलिटी को तो उसमें जो मसले मौजूद होते हैं आप उनको हल करने के भी काबिल होते हैं, आप उनको हल करने के एक स्टेप करीब चले जाते हैं. क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ ये मसला मौजूद है. नंबर 2, सरेंडर टू व्हाट इज़, यानी कि खुद को सुपुर्द कर दीजिए उन चीज़ों के जो कि आपकी रियलिटी का हिस्सा हैं और जिनको आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते. जब आप एक्सेप्ट करते हैं अपनी रियलिटी को और उस रियलिटी में मौजूद उन तमाम मसाइल को, और अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं उन चीज़ों के साथ जो कि आपके लिए शायद इतनी काबिल कबूल नहीं भी होती लेकिन आप कबूल कर लेते हैं, तो आप ये भी देखने के काबिल हो जाते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं. उन चीज़ों को चेंज कर लेते हैं और सरेंडर कर दें खुद को उन चीज़ों के जिन्हें आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, जिन्हें आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, जो कि आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस या सर्कल ऑफ कंट्रोल के बाहर हैं. जब आप सरेंडर कर देते हैं तो सुकून महसूस करते हैं. जहन की उलझन, दिल की उलझन, परेशानी, घबराहट, इन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाता है. एक सुकून की कैफियत है जो आप महसूस करते हैं जब आप मान लेते हैं कि क्या चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं और सपोर्ट कर देते हैं खुद को उन चीज़ों के जो आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते. और तीसरी चीज़, लेट गो ऑफ एवरी व्हाट कुड बी, क्या हो सकता था, क्या हो सकता है, कहीं ऐसे ना हो जाए, काश ऐसा हो जाए, इन तमाम व्हाट कुड बीस को, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता को जाने दीजिए. जब आप जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं तमाम एक्सपेक्टेशंस को, उन तमाम जिनको हम कहते हैं काश को, कि काश ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता तो ऐसा ना होता, यूं हो जाता तो यूं ना होता, काश ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों को जब आप लेट गो कर देते हैं तब आप बहुत सुकून महसूस करते हैं. क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आप कंट्रोल नहीं कर सकते. जब आप लेट गो कर देते हैं हर उस चीज़ को जो कि पास्ट में हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, जो फ्यूचर में हो सकती है लेकिन पता नहीं होगी या नहीं, तो आप प्रेजेंट में रहते हैं. प्रेजेंट में रहते हैं, अपनी रियलिटी में रहते हैं और उन्हीं चीज़ों पे फोकस रखते हैं जो कि आपके आज का, आपके प्रेजेंट मोमेंट का हिस्सा है. और प्रेजेंट मोमेंट में रहना, हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है. माइंडफुल होना और हर वक्त अपने प्रेजेंट से कनेक्टेड रहना, छोड़ देना उन तमाम चीज़ों को जो पास्ट में थी और उन तमाम अंदेशों को भी जो कि फ्यूचर का हिस्सा हो सकते हैं. तो एक्सेप्ट कीजिए अपनी रियलिटी को और हर उस चीज़ को जो कि आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं. सरेंडर कीजिए, यानी कि सपोर्ट कर दीजिए खुद को उन चीज़ों के जिन्हें आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, और लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए उन तमाम चीज़ों को जो कि हो सकती थी, इन तमाम ख्वाहिशात को, और जो कि हो सकती हैं फ्यूचर में. और सिर्फ फोकस कीजिए कि आज क्या है, अभी क्या मौजूद है, अभी मेरी रियलिटी क्या है. सिर्फ ये छोटी सी 3 चीज़ें अपनी थिंकिंग में आप चेंज करेंगे, अपने वे ऑफ लाइफ में आप चेंज करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि कितनी खुशहाल ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं. तो अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी टॉपिक के साथ. तब तक के लिए